तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपके फोन में साइड में फिंगर है या तो पीछे फिंगर है, अगर आपका कोई सा एंड्रॉइड फोन है आप लोग चाहते हैं स्क्रीन पर फिंगर सेट करना, तो इस वीडियो में बताऊंगा इस तरीका से आप लोग कैसे स्क्रीन पर फिंगर सेट करेंगे। तो आप लोग इस तरीका से अगर फिंगर सेट करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को एंड तक देखना, आप वीडियो पसंद आने पर लाइक करना पड़ेगा और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। स्क्रीन पर अगर आपके पास कोई सा भी एंड्रॉइड फोन है और आप लोग चाहते हो स्क्रीन पर फिंगर सेट करना तो बस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना, नए हो तो चैनल करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आपको हर एक फ़ोन में होता है थीम ऐप्स, आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं तो हर एक फ़ोन में देखने को मिल जाएगा ये थीम ऐप्स, और थीम ऐप्स पे मैं क्लिक करूंगा, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर नहीं शो करेगा तो आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में आपके फ़ोन में आसानी से वहाँ पर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने थीम ऐप्स को ओपन कर दिया है दोस्तों, जैसे ओपन करेंगे तो इस तरीका से हमारे पास इंटरफेस आ रहा है, ऊपर कुछ सर्च का आइकन दिया है, यहाँ से सर्च करके भी मंगा सकते हैं स्क्रीन फिंगर लॉक, तो यहाँ पर भी आपको सर्च करके मंगाओगे यहाँ से भी आपके पास आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ से नहीं मंगाना चाहते आप लोग, यहाँ से मंगाना चाहते हैं यहाँ से इस पर क्लिक करके तो यहाँ से भी मंगा सकते हो, ठीक है, मगर मुझे कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कर देना एक बार। यहाँ से क्लिक करने के बाद फिंगर वाला ऑप्शन हमारे पास पहले नंबर पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, इसी पर कुछ क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करने के बाद इस तरीका से हमारे पास इंटरफेस आ जा रहा है, तो इस तरीका से इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर जो डाउनलोडिंग करने के लिए बता रहा है दोस्तों, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोडिंग कर लेना है, जैसे डाउनलोडिंग हो जाएगा तो अप्लाई वाला ऑप्शन आ जाता है, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपके लिए, इस तरीका से आपके फ़ोन में अप्लाई वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, जैसे डाउनलोडिंग वाले पे क्लिक करोगे तो अप्लाई वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर देना, ठीक है, और मैं किस तरीका से अप्लाई कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊँगा, अगर आप लोग इस तरीका से अप्लाई करना चाहते हो तो इस तरीका से भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं अगर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इसको भी मैंने डाउनलोडिंग कर रखा है, तो यहाँ पर भी इसको अप्लाई वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है दोस्तों, और इससे पहले यहाँ पर दो टिक दिए हैं, यहाँ पर एक जो टिक दिया है, एक जो तीन टिक दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी दिया है, तो आप लोग अगर चाहते हो स्क्रीन लॉक लगाना दोस्तों, ठीक है, मान लो मुझे खाली स्क्रीन का लॉक ही लॉक चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर टिक लगा देता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने लगा रखा है इस तरीका से। और आप लोग अगर चाहते हो अपना एप्स का जो फीचर लॉक भी चेंज करना तो यहाँ पर इनको भी इनेबल कर देना दोस्तों, ठीक है, इनसे इनेबल करने के बाद हमारा जितना ऐप्स होगा तो उनका सभी फीचर चेंज हो जाता है। तो इस तरीका से आप लोग कुछ करना चाहते हो तो इस तरीका से भी कर सकते हो। तो मैं अप्लाई वाले पे कुछ क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, जैसे अप्लाई वाले पे क्लिक करने के बाद इस तरीका से हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। तो हम अब दोस्तों यहाँ से हो जाएंगे बैक, और बैक होने के बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्क्रीन का एक बार लॉक लगाना है मुझे, और लॉक लगाने के बाद आपको दिखा रहा हूँ फिर किस तरीका से फिंगर कामयाब कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं दोस्तों एक बार स्क्रीन का लॉक लगा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर लॉक को ऑन किया है, और जैसे लॉक मेरा यहाँ पर फिंगर पूरी तरीका से लग चुका है, जैसे मैं फिंगर वाले पे कुछ क्लिक करूँगा दोस्तों यहाँ पर, इस पर क्लिक करने के बाद तो इस पर मेरा लॉक खुल जाता है। इस तरीका से आप लोग खोलना चाहते हो तो बहुत आसानी से फिंगर सेट कर सकते हो, बहुत आसानी से, आपका कोई सा भी एंड्रॉइड फ़ोन है बिल्कुल कम कीमत का है तब भी आसानी से आप फिंगर सेट कर सकते हो। तो बस आज का वीडियो इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल करना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो इतना ही।